So hey guys, welcome back to my channel Aim to Explore. Next day, it's a third day. और वैसे आपको मेरी टी शर्ट मतलब का रंग और बिल्डिंग का रंग एक जैसा लग रहा होगा, ऑलमोस्ट एक जैसा ही है. गाइज, ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि रात को मैंने व्लॉग नहीं किया और रात को 1-2 बजे समथिंग रात को आए, लेकिन सीरियसली जो बागा कैलिंगट कंडोलम जो उस साइड जो स्कैम होता है ना गाइस, बी वेयर यार. बिल्कुल मतलब इस चीज़ से बंदे को ना बहुत दूर रहना चाहिए. बाकी वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन इसलिए गाइस आज ये थर्ड डे स्टार्ट करते हैं. लगता है वही अपना ब्रेकफास्ट सुबह का मैगी लाना. वैसे पहाड़ों में मैगी खाई और अब पहाड़ों में मैगी नहीं बोलते ना, गोवा में मैगी और अपने एग्स. सुबह का वही डाइट जो कल ली थी, तो वही यहाँ से हमने रेंट पे से ली थी जो कल, और ये लिया हमने अंकल से सामान. अपनी मैगी हो गए, अंडे हो गए अपने. ये मैगी और अंडे तैयार करते हैं. तो ओवरऑल कहानी ये है गाइस दैट इस कैंप से काफ़ी दूर रहे और आज हमारा थर्ड डे है. लेट्स सी, कल हमने सारे बीचेस घूम लिए. बीचेस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, सही है. थोड़ी सी स्पेशलिटी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है. बागा बीच और काफ़ी पब्स और वैसा वाला एरिया है. हम तो यहाँ अपने आरंबोल बीच रशियंस, ठीक है यार, काफ़ी अच्छा शांत माहौल है. और आप देख सकते हो सीरियसली यार बहुत शांति है. हम ही लोग हैं जो ज़्यादा शोर करने वाले हैं, आवाज़ बहुत तेज़ है. आगे ने थोड़ा सा सोचा है कि हैंग आउट करके आते हैं. 2:30 बज रहे हैं, वैसे काफ़ी धूप हो रही है. हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सप्लोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार कुछ खाने को नहीं मिल रहा है. एक तो वाइन शॉप जगह जगह वाइन शॉप, नथिंग एल्स इज अबाउट दिस वाइन शॉप यार, दिस डैम मैन. कुछ खाने को तो मिल ही नहीं रहा. ये फ़ायदा है स्कूटी लाने का, क्योंकि इन कुंज गलियों में जो आप घुसा सकते हो ना, वो गाड़ी नहीं घुसा सकते हो आप. ये है ना इंडियन फूड, दाल बिरयानी. तो गाइस फाइनली इटालियन रेस्टोरेंट में खाना मिल गया और जो फेवरेट दाल है ना मेरी, पीली दाल और उसके साथ रोटी, सीरियसली ये मुझे कल से नहीं मिला था, अब मिला है यार. परफेक्ट मैन, अब खाता हूँ बस. सही है यार बॉस. सनसेट जो कि 2 दिन से नहीं देख पा रहे थे हम, तो सोचा कि सनसेट देखते हैं. तो फाइनली सनसेट देख के आज आज मेरा लास्ट डे है गोवा में. कल ऑन द वे टू होम. वैसे होम बीच में प्लान है कुछ, लेट्स सी, वो तो टाइम बताएगा. लेकिन गाइस ये सनसेट ना सीरियसली तुम देखना चाहिए यार. Guys, man, what a sunset, man. Almost धीरे धीरे आप देख सकते हो. Slowly, down. और थोड़ा सा बादलों से छुप रहा है. आई थिंक मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगा होगा यार. 6:44 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ओवर. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
नाइट लाइफ अभी कुछ खाली सा लग रहा है क्योंकि वीकेंड नहीं है। ये कैंडल नाइट्स डिनर बड़े अच्छे लग रहे हैं यार, बड़ा अच्छा लग रहा है गाइस। ये है नज़ारा, याद होगा आपको, और यहाँ पे इसी जगह सनसेट देखा था, और अब जो नज़ारा है सनसेट के बाद में पूरा बीच, और ये जो है ना यार सीरियसली ये बड़ा प्यारा लगता है यार। तो गाइस फिफ्थ डे, और हम जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग निकल चुके हैं और टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, टाइम हो रहा है कितना 8:47 और हाँ ये वही पेट्रोल पंप है, और वैसे 1 day 7 hour 1637 kilometers यानी कि शाम को 4 बजे कल नहीं परसों पहुंचेंगे। सो लेट्स सी, ये तो वो टाइमिंग वो दिखा रहा है जो हम पहुंचेंगे, बाकी तो टाइम बताएगा। तो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अभी नाश्ता करेंगे, पाव खाएंगे, लास्ट बार एक बार और पाव भाजी खा के जाएंगे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ेगा, देन कर्नाटका बॉर्डर, देन ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश, देन यूपी। तो गाइस एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में, तो हो जाए पाव भाजी। नमक देना, नमक। हम अब महाराष्ट्र एंट्री कर चुके हैं और दूध अच्छा ये दूध छाछ लेंगे क्या? एक्चुअली दूध मतलब थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक या कुछ ठंडा हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी हम आप देख ही सकते हो यार, अभी तो बहुत दूर है बॉस। 1 day 5 hours कोई नहीं, लेकिन गाइस ओवरऑल 5 दिन अपने रहे, और 5 दिन में यार जो ये सीन मतलब जो ये कहानियाँ बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, और बहुत मज़ा आया, बहुत एक्सप्लोर किया। चलते चलते बात करते रहेंगे। ये है नेपाली, और अब हम कर चुके हैं कर्नाटका बॉर्डर में एंटर, और कर्नाटका बॉर्डर मीन्स यहाँ से 200-250 जैसे कि उस दिन बताया था, पीछे बैंगलोर रोड है, महाराष्ट्र बॉर्डर था, ये कर्नाटका बॉर्डर है, एंड देन यहाँ से 270 पुणे है। तो यार फर्स्ट क्लास है, 100+ मेंटेन कर सकते हो, बट इंटरसेप्टर खड़ी होगी तो नहीं कर सकते। गाइस मौसम हो गया बड़ा सुहाना, और 4:15 हो रहे हैं भाई, हमें गोवा पुणे हाईवे पे जैसा कि देख सकते हैं। गाइस खाना खा के निकल चुके हैं, और ये विंड मिल आ चुके हैं, मीन्स अब ये विंड मिल महाराष्ट्र में भी चलेंगे, मध्य प्रदेश में भी चलेंगे, उसके बाद लास्ट उज्जैन के बाद ये विंड मिल्स ख़त्म हो जाएंगे। गोवा सिंघम ये गोवा नहीं है, इट्स पुणे यार। वो वाले फ्लैट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं उस साइड, उस ये ले लेंगे एक फ्लैट। अच्छा पहले 6 बज रहे हैं, और अभी भी मंजिल बहुत दूर है, 23 घंटे मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे, बट कोई नहीं, वी कैन कवर इट। सफरी मंजिल तय करें, बिल्कुल सफल मंजिल तो अब ओनली घर है। मचाते ना भाई, मचाओ ना भाई, मचाओ।
इमरान, मैं इमरान भाई पहचाना नहीं क्या? कब आ रहे हो भाई? हाईवे देखो भाई, शानदार हाईवे भाई। जो इसमें दिख रहे हैं तापी रिवर ब्रिज है, कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा होगा, रात का टाइम है और गाइस रात के बज रहे हैं 2:30 और अभी भी है आगरा ऑलमोस्ट 830 किलोमीटर है। सो वैसे भी कैमरे की बैटरी डाउन होने वाली है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट 6th डे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम टू एक्सप्लोर। मैं हूं विकास चौधरी। सो आपको हालत से लग रहा होगा कि हाँ पूरी रात ड्राइविंग ड्राइविंग ड्राइविंग। अब ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर देख सकते हो आगरा रह गया और रतलाम जो कि हमें जाना नहीं है, हमें जाना ऑन द वे टू 40 किलोमीटर जो उज्जैन रह गया। तो करते हैं महाकाल जी के दर्शन दोबारा से, ना कि दोबारा से त्योहार सर। ये साइड में जो है देवास सिटी, गाइस जैसा कि मैंने बताया हम आ चुके हैं महाकाल जी के पास और आप देख सकते हैं सामने भव्य मूर्ति भोले बाबा की। और सीरियसली यार ये नए रास्ते आए हैं क्योंकि पिछली बार हमने स्टेशन के पास की थी और ये देख सकते हैं जो कॉरिडोर जो नया बना है जैसा कि मेरे आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा। तो गाइस चलते हैं अंदर, गाड़ी करते हैं यहीं पार्क। ओके देन ये देख सकते हो भारत माता का मंदिर, क्या बात है क्या बात है। बिल्कुल मंदिर के अंदर ही प्रवेश कर चुके हैं। महाकाल पे एक्चुअली सोचा था कि कैमरा लेके या मोबाइल लेके जाया जाएगा, लेकिन देखो पिछली बार मैं गया था लेकिन इस बार ये पता पड़ा है कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हो, मोबाइल आपको अंदर ही जमा कराना पड़ेगा। तो यार जय श्री महाकाल, बट कोई नहीं, पिछली बार बहुत अच्छे दर्शन हुए थे बट इस बार नहीं ले जा सकते अंदर। सो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं और दर्शन करके जस्ट कार इतनी गर्म हो रही है, सीरियसली टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो गाइस ये तो यार पहले नहीं हुआ था लेकिन इस बार हुआ है कि इस बार अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। और इस बार काफ़ी घूम के, मतलब पिछली बार 15 मिनट में दर्शन हो गए थे और इस टाइम काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी घूम के कॉरिडोर में जाना पड़ा। मैं बताया था हम पिक्स तो ले नहीं पाए क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ था। तो अब हम उज्जैन शहर से बाहर निकलते हुए और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अंदर भी एसी का टेम्परेचर इसलिए 18 डिग्री सेल्सियस कर रहा है। तो गाइस फाइनली चौका चूल्हा, याद होगा आपको उस व्लॉग में जब महाकाल से दर्शन करके आए थे तो आते वक्त भी और जाते टाइम भी दोनों टाइम खाया था। तो इस बार सोचा कि नहीं यार इस बार भी चौका चूल्हा में खाना खा के जाएंगे। सो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव रही है जैसा कि आपको फेस से दिख रहा होगा, सीरियसली मैन व्लॉग करने का अब ज़्यादा मन नहीं हो रहा है बट कोई नहीं, खाना खाते हैं और उसके बाद ऑन द वे टू, अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया आगरा। गाइस फाइनली चौका चूल्हा, भाई बड़ा अच्छा बना रखा है। गाइस जैसा कि पहले आए थे अब बस रहा नहीं जा रहा, खाते हैं खाना। गाइस भैया ने जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हैं पहले भी दिया था चौका चूल्हा का, अब वेंचर ऑफ लाइन ग्रुप फूड कॉटेजेस स्पोर्ट्स एंड ग्रेन। देखिए गाइस देख सकते हैं यार दिस इज टू डेंजरस, देखिए पूरा झुका हुआ है यार ट्रैक, याद चलो आगे निकल गए गाइस निकल गए। तो गाइस चौका क्या था ये चौका चूल्हा,
उसपे खाना खा लिया है और गाइस ऑलमोस्ट ऑन द वे टू होम और अब ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। वैसे ग्वालियर पहुंचने में अभी भी टाइम है, 7:30-8 बजे तक ग्वालियर पहुंचेंगे। Guys, finally, I'm at home, means Agra. It's a long trip और जैसा कि मैं देख सकता हूँ अपनी जो मैंने ट्रिप भी अब ज़ीरो जो की थी और उसके बाद जो अब देखा ट्रिप में, मतलब ऑलमोस्ट 4000 मतलब वही 4000 किलोमीटर्स किया और 4000 किलोमीटर्स करने के बाद जो फील आ रहा है इट्स टर्फिक, क्योंकि माइंड ब्लोइंग। मेरा नासिक मुंबई के बाद एक ऐसा ट्रिप है। तो गाइस अब ज़्यादा बात ना करते हो क्योंकि गेटिंग टायर्ड, काफ़ी थकान महसूस कर रहा हूँ। तो लेकिन अब गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर दो गाइस, सब कर दो। ओके देन, बाय।